दोस्तों, क्या आपको पता है भारतीय टीम दुबई के किस होटल में ठहरी है? उसका एक दिन का किराया कितना है जानकर हो जाइएगा हैरान। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में हराकर शानदार शुरुआत की है। उसने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 10 महीने पहले हार का बदला लिया। पाकिस्तान ने उसे पिछले साल दुबई में T20 वर्ल्ड कप में हराया था। भारतीय टीम ने इस हार का बदला लेने के लिए जबरदस्त तैयारी की थी। टीम 22 अगस्त को ही दुबई पहुंच गई थी। बीसीसीआई ने टीम को दुबई के सबसे महंगे और मशहूर होटल पाम जुमेरा में रुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी इसी होटल में ठहरी थी। यह होटल दुनिया के बेहतरीन और आलिशान होटलों में से एक है। इसके एक दिन की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। जुमेरा होटल के एक फ्लोर पर टीम इंडिया के ठहरने का इंतजाम किया गया है। इस होटल के किसी भी कमरे से दुबई के शानदार नज़ारे को देखा जा सकता है। होटल के अंदर एक शॉपिंग सेंटर, कॉफी, बड़ा स्विमिंग पूल, 3D और 4D थिएटर भी है। ठहरने के लिए एक दिन का किराया करीब 30 से 40 हज़ार है। यह सिर्फ एक आम आदमी का किराया, खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को जोड़कर करीब 30 लोग यहाँ रुके हुए हैं। इस तरह बीसीसीआई को एक दिन के लिए करीब 9 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ सर्विस और खाने पीने का खर्च अलग से देना पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।